अफसर शाही के गुरूर में अधिकारी कई दफा सच्चाई भूल जाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से। यहां बच्चों के पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम जगदीश सोनकर ने बिस्तर पर पैर रखकर बच्चे से परिवार वालों से बात की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसडीएम जगदीश सोनकर ने जूता पहन रखा है और उनके पैर बेड पर हैं। हैरानी की बात यह है कि जगदीश सोनकर ने एमबीबीएस की पढ़ाई भी की है। ऐसे में उन्हें यह तो पता ही होगा कि मरीजों के बेड पर पैर रखना या जूता रखना कितना गलत है, मगर शायद अफसरशाही के गुरूर में वो सारी सच्चाई भूल चुके थे। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शेखर मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। तो संजय, डॉक्टर जगदीश सोनकर आईएएस की तस्वीर हम देख रहे हैं, मरीजों से उनके बेड पर पैर रख करके बातचीत कर रहे हैं, ये हाल जानने का उनका कौन सा तरीका है? ये तस्वीर अब मीडिया में सामने आने के बाद क्या माफी मांगी है डॉक्टर जगदीश सोनकर ने? देखिए डॉक्टर जगदीश सोनकर, ये तस्वीर वायरल होने के बाद लगातार उनका फोन बंद है और किसी से संपर्क में नहीं है। हालांकि इस बीच राज्य शासन की तरफ से महत्वपूर्ण बयान राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आया है। डॉक्टर रमन सिंह ने अभी से कुछ देर पहले कहा कि जो आईएएस अधिकारी है और विशेष तौर पे जो नए प्रशासनिक अधिकारी है उनको जो सामान्य आचरण संहिता होती है उसको सिखाना जरूरी है, उसका पालन करना जरूरी है और वो मुख्य सचिव को निर्देशित करेंगे मुख्यमंत्री कि आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीर सामने ना आए। कोई भी नया अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, तो उसको सामान्य जो आदर्श आचरण संहिता है, जो परिपाटी है, उसका पालन वो सुनिश्चित करें। संजय शेखर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।